राम सेतु भारत के प्राचीन इतिहास की महान धरोहर है, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में वाल्मीकि रामायण के तथ्यों से अवगत कराया था। और आज हम आपको वैज्ञानिक और रिसर्च कर रहे इतिहासकारों के आधार से अभी तक जो खोजबीन हुई है उससे हम आपको अवगत कराएंगे कि राम सेतु का अस्तित्व था और है। इसीलिए यह वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी बात छूट न जाए। तो चलिए दोस्तों, हम भी चलते हैं रामेश्वरम, जहाँ से ये राम सेतु बना था। भगवान श्री राम ने सीता जी को छुड़ाने के लिए और रावण का विनाश करने के लिए रामेश्वरम से लंका तक का समुद्र मार्ग यानी राम सेतु का निर्माण कराया था, जिसके अस्तित्व को लेकर हमेशा लोगों में विवाद बना रहा है। सबसे पहले इस भूभाग के सैटेलाइट से खींचे गए चित्रों को नासा ने 1993 में दुनिया के सामने रखा था और उसके ठीक दो दशक बाद 2017 में ISS-1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और उसकी पिक्चर साझा की गई थी। और इस पिक्चर से आज की सैटेलाइट की पिक्चर की सत्यता प्रमाणित की है और साथ में ये भी प्रूफ हो गया कि राम सेतु सच में मौजूद था। इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि अमेरिका की एक साइंस चैनल ने दावा किया है कि सैटेलाइट से दिखने वाली राम सेतु की इमेज पर रिसर्च पर पता चलता है यह कोई कुदरती रूप से बना हुआ पुल नहीं है, ये राम सेतु एक मानव निर्मित पुल है। और इस राम सेतु की कुल लंबाई अंदाजन 48 किलोमीटर बताई जाती है, जिसे मशीनों की मदद से नहीं बनाया गया। इसीलिए ये बात लगभग तय हो चुकी है कि राम सेतु का अस्तित्व है और हमेशा रहेगा। जब वैज्ञानिकों ने पुष्टि कर दी कि राम सेतु का अस्तित्व सच में था तो भारत सरकार ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है और राम सेतु की खोज के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कई इतिहासकार और रिसर्च करने वाले बताते हैं कि आज भी रामेश्वरम के पास के समुद्र में राम सेतु के कई निशान पाए जाते हैं। रिसर्चर्स ने दावा किया है कि रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के आसपास कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो कि हजारों सालों से भी ज़्यादा पुराने हैं और इससे राम सेतु के होने की बात और भी पुख्ता हो जाती है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के प्रोजेक्ट रामेश्वरम के तहत अध्ययन से संकेत मिलता है कि रामेश्वरम द्वीप 1,25,000 साल पहले विकसित हुआ था। इससे यह भी साबित होता है कि रामायण में रामेश्वरम की जो बात कही गई है वह सत्य है। रामायण के हिसाब से राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास ही किया गया था और यहीं पर भगवान श्री राम की वानर सेना ने अपना डेरा डाला था। रामायण के अनुसार यह बिल्कुल सही है। कहा जाता है भगवान श्री राम ने यहीं बैठकर सेतु निर्माण और युद्ध की रणनीति बनाई थी। राम सेतु के सबूतों की तलाश रामेश्वरम से होते हुए धनुष्यकोडी तक जाती है, लेकिन इसके पहले आपको मिलेगा राम तीर्थम और यही आपको राम सेतु से जुड़ा पहला और पक्का सबूत मिल जाएगा। यहाँ आपको कई बड़े बड़े पत्थर एक जगह पर जमा मिलेंगे और इन पत्थरों की खास बात यह है कि यह आराम से पानी पर तैरते हैं। जी हाँ, ये पत्थर के टुकड़े काफ़ी भारे होते हुए भी पानी पर तैर जाते हैं और शायद ये वही पत्थर है जिनकी मदद से राम सेतु का निर्माण सफल हो पाया था, जिसका जिक्र रामायण में है। इसके आगे की जांच के लिए आपको धनुष्यकोडी जाना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां से राम सेतु के निर्माण का प्रारंभ किया गया था। अगर आप सैटेलाइट से लिए गए पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको धनुष्यकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक एक सीधी रेखा नजर आएगी। दावा किया जा रहा है कि ये रेखा असल में राम सेतु ही है, जिसे एडम्स ब्रिज यानी आदम पुल भी कहा जाता है। वही गूगल मैप में भी धनुष्यकोडी से मन्नार के बीच
कई छोटे छोटे 8 द्वीप नजर आते हैं और इन्हें राम सेतु के अवशेष माना जाता है। अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि धनुष्कोडी का एक सिरा समुद्र में काफ़ी अंदर तक है। ये धनुष्कोडी का आखिरी छोर है और ये राम सेतु पॉइंट कहा जाता है। धनुष्कोडी से समुद्र में आगे जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ घंटों की यात्रा के बाद आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे जो देखने में तो समुद्र के बीचों बीच लगती है, लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई काफ़ी कम है। जी हाँ, ये वही इलाका है जहाँ से राम सेतु के और भी पक्के सबूत रिसर्च करने वालों को मिलने शुरू हो जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच होते हुए भी इस जगह पानी काफ़ी कम है, यानी कि आप इसमें डूब नहीं सकते। और यहाँ से आप चाहे तो समुद्र में चलते हुए श्रीलंका तक पहुँच सकते हैं और शायद यह वो हिस्सा है जिसे दुनिया राम सेतु के नाम से जानती है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ कहने को तो आप समुद्र के बीचों बीच खड़े हुए हैं, लेकिन आप यहाँ आसानी से ज़मीन पर चल सकते हैं और यहाँ से श्रीलंका सीमा केवल 7 किलोमीटर दूर है। यानी कि पूरी संभावना है कि श्री राम भगवान इसी रास्ते से श्रीलंका में दाखिल हुए होंगे। दिखने में तो ये एक छोटा सा टापू है, इसकी कुल रेडियस 1 किलोमीटर के आसपास ही होगी और इस इलाके में ऐसे एक दो नहीं लेकिन कई टापू है। कहा जाता है जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था तब तेज़ लहरों के प्रभाव से राम सेतु के निर्माण के कार्य में रुकावट आती थी, इसीलिए भगवान श्री राम ने समुद्र देवता से कहा था कि वो तब तक शांत रहे जब तक पुल निर्माण पूरा नहीं हो जाता। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज लाखों साल बाद भी इस जगह लहरों की गति बाकी समुद्र से धीमी होती है। इससे पता चलता है कि इस जगह कुछ तो खास है जो कि इसे समुद्र के बाकी हिस्सों से अलग बनाता है और हमारे राम सेतु के दावे को और भी मजबूती देता है। राम सेतु आज भी रिसर्चर्स के लिए बड़ा मुद्दा है, वो आज भी लगातार इसकी पड़ताल कर रहे हैं। राम सेतु का निर्माण जिस पत्थरों से हुआ है उसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है राम सेतु का निर्माण ज्वालामुखी से निकले खास तरह के पत्थर से किया गया था जो कि पानी पर तैर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरल और सिलिका पत्थर जब गर्म होता है उसमें हवा ट्रैप हो जाती है, इससे वो हल्का हो जाता है और तैरने लगता है। ये पत्थर कुछ कुछ स्पंज की तरह होता है। जांचकारों का कहना है ऐसे ही पत्थरों को चुनकर यह पुल बनाया गया होगा। कहा जाता है कि पुल के निर्माण के समय पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा गया था, जिसकी वजह से ये पत्थर समुद्र पर तैरने लगे थे। अगर हम भगवान श्री राम का चमत्कार न भी माने तब भी आज सैकड़ों साल पहले ऐसी सटीक जानकारी होना तो किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं है कि नल और नील वाकई में जानकार थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि साल 1480 में आए गए तूफान में ये पुल काफ़ी टूट गया था और इस तथ्य में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सबूत तो कहते हैं कि राम सेतु वाकई था। दोस्तों, राम सेतु को लेकर आज भी कई भ्रांतियाँ हैं। यदि श्रद्धा और भक्ति से अलग हटकर सोचे तो इस तरह ऐसे पुल की कल्पना करना नामुमकिन है। आपका क्या विचार है? क्या राम सेतु का अस्तित्व जो है उसे खोजने की ज़रूरत है? दोस्तों, अभी आपको यकीन हो गया होगा कि वाकई में राम सेतु था और है। आप मानते हैं? क्या राम सेतु की इस सच्चाई को पूरी दुनिया में उजागर करने का समय नहीं आ गया? अब तो ये रहे वैज्ञानिक सबूत। क्यों भारत सरकार अभी भी पीछे है? क्यों इसके लिए सही से काम नहीं किया जा रहा? आपका क्या मानना है ये भी बताइए। बात है हमारे इतिहास की, हमारे भगवान श्री राम की। दुनिया में कोई भी इतिहास
हमारे जितना पुराना नहीं है। हमें तो गर्व है कि हम ही श्री राम की संतान है। जय श्री राम। यदि आप भी मानते हैं कि भगवान श्री राम थे और यहीं पर राम सेतु बना था, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, तभी वह उनकी आगे वाली पीढ़ियों को भी ये बता सके हमारा महान इतिहास, हिस्ट्री की ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल फैक्ट विथ हिस्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।